नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया खबर लाइव में। मैं हूं अनूप पांडे। खबर आ रही है गुजरात के नर्मदा जिले से। जी हां, केवड़िया कॉलोनी के श्री स्वामी नारायण नर्सिंग कॉलेज में विश्व एड्स दिवस के दिन रैली का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज के छात्रों के साथ प्राध्यापक भी जुड़े हुए थे। रैली में शामिल छात्रों ने केवड़िया कॉलोनी के अलग अलग क्षेत्रों में घूमकर रैली के माध्यम से लोगों में जागृति लाने का काम किया। रैली अंत में स्टेचू ऑफ यूनिटी पर पहुंचकर समाप्त हुई। इस रैली के बारे में हमारे संवाददाता गौतम व्यास ने श्री स्वामीनारायण नर्सिंग कॉलेज के प्रिंसिपल संगीता बहन पंचाल से बातचीत की। इंडिया खबर लाइव के लिए गुजरात नर्मदा से गौतम व्यास की एक रिपोर्ट। गत 1 दिसंबर रोज विश्व एड्स दिवस हुआ थी। सत्तर शिक्षा परिषद द्वारा संगीता ने श्री स्वामीनारायण नर्सिंग कॉलेज का प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल समझ तमाम शिक्षक जो तरफ की फर्स्ट ईयर बेसिक पी एस सी नर्सिंग, सेकंड ईयर बेसिक पी एस सी नर्सिंग समझ थर्ड ईयर बेसिक पी एस सी नर्सिंग तमाम विद्यार्थियों प्रेरित करता। जी पूर्व तैयारी अंतर्गत तमाम विद्यार्थियों पास बैनर तैयार करता कि विश्व एक दिवस जागृति प्रत्ये वु में वु प्रचार थी सके तमाम विद्यार्थियों पास विश्व एड्स दिवस की जागृति फैलावा अंगेना तमाम पोस्टर तैयार करता। आज रोज डिसेम्बर रोज वह सवेरे 9:15 तमाम शिक्षकगण तमज आचार्यगण तरफ से विद्यार्थियों ने सारी रीते रैली तैयार करोच्चार विश्व एड्स दिवस की जागृति फैलावा अंगेना वु में वु सूत्रोच्चार केवड़िया कॉलोनी खाते कर सके ये तमने प्रेरणा आप अमरा श्री धर्मानंद स्वामीजी द्वारा यदि आपके पास भी ऐसी कोई खबर है जो समाज और शहर से ताल्लुक रखती है तो आप वह खबर हम तक पहुंचा सकते हैं व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से या फिर ईमेल के द्वारा। हम उस खबर को प्रमुखता से दिखाएंगे और समाज और प्रशासन के बीच में एक कड़ी का हिस्सा बनेंगे। तो आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ, कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।